बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में राज्यसभा के रण की। दरअसल चार राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस भाजपा ने अब कमर कस ली है। आज कांग्रेस के तीनों और भाजपा के एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। कांग्रेस से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी ने नामांकन भरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट की मौजूदगी में ये पर्चा भरा गया। वहीं भाजपा से घनश्याम तिवारी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान वसुंधरा राजे, डॉक्टर सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर मौजूद रहे और घनश्याम तिवारी ने इन सभी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं निर्दलीय के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं भाजपा नेता कालीचंद सराफ, वासुदेव देवनानी, चंद्रकांता मेघवाल, नरपत सिंह राजवी की मौजूदगी में सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले के बाद अब कांग्रेस भाजपा में बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उदयपुर में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी। हालांकि ये कांग्रेस ने कहा था कि हमें बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, बाड़ेबंदी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि 7-8-9 को वो प्रशिक्षण शिविर देगी और एक होटल में ठहरेगी और जिसे कि बाड़ेबंदी ही कहा जाता है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर नाम दिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस भी उदयपुर में अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि राज्यसभा का रण जो है राजस्थान में पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। दंगल शुरू हो चुका है। चार राज्यसभा की सीट, 5 कैंडिडेट्स, कांग्रेस भाजपा ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस के तीनों और भाजपा के एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। कांग्रेस से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट की मौजूदगी में उन्होंने पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान सबसे चौंकाने वाले नाम वसुंधरा राजे। जी हां, वसुंधरा राजे मौजूद रही। कहा है कि गिले शिकवे जो है वो अब नहीं रहे। डॉक्टर सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर की मौजूदगी में तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं निर्दलीय के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से कालीचंद सराफ, वासुदेव देवनानी, चंद्रकांता मेघवाल, नरपत सिंह राजवी मौजूद रहे। नामांकन दाखिले के बाद अब कांग्रेस भाजपा में बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि हालांकि निर्दलीय तौर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नामांकन भरा है, लेकिन बाहरी तौर से भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी। तो वहीं कांग्रेस उदयपुर में अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करेगी। राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस प्रत्याशियों की बात की जाए तो 3 उम्मीदवारों के 90 विधायक जो है वो प्रस्तावक बने हैं। जी हां, 3 उम्मीदवारों के 30-30-30 प्रस्तावक बने। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी के 3-3 सेट, एक प्रत्याशी के 30 विधायक प्रस्तावक बने हैं। 9 निर्दलीय विधायक भी प्रस्तावक सूची में शामिल हुए हैं। हालांकि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बलजीत यादव, खुशवीर जोजावर, रमीला खड़िया पहुंचे ही नहीं। खास बात, तीनों सेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा ने हस्ताक्षर किए हैं और तीनों के प्रस्तावक बने कांग्रेस के ये दिग्गज। अब तीनों उम्मीदवारों का वरीयता क्रम बाद में फाइनल किया जाएगा। वहीं पीसीसी की ओर से कल से होटल क्लार्क समेर में इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी की जाएगी, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि बाड़ेबंदी के लिए पहले कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दंगल हो गया है और जिस तरीके से रण तैयार हो गया है, 4 सीटों के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं, तो कांग्रेस अब बाड़ेबंदी करेगी। 3 उम्मीदवारों के 90 विधायक जो है प्रस्तावक बने हैं कांग्रेस में, 3 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिन्होंने नामांकन आज दाखिल किया है, वो सभी बाहर से हैं। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, 3-3 सेट, एक प्रत्याशी के 30 विधायक प्रस्तावक बने। 9 निर्दलीय विधायक भी प्रस्तावक सूची में शामिल हुए हैं। हालांकि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बलजीत यादव, खुशवीर जोजावर, रमीला खड़िया नहीं पहुंचे। और खास बात कि तीनों सेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हस्ताक्षर किए हैं और तीनों के प्रस्तावक बने कांग्रेस के ये दिग्गज। अब तीनों उम्मीदवारों का वरीयता क्रम बाद में फाइनल होगा, क्योंकि अब लगातार इसी पर नजर है कि वरीयता क्रम कांग्रेस का कैसे रहेगा, कौन तीसरे नंबर पर होगा और पहले नंबर पर कौन होगा। वही पीसीसी की ओर से कल से होटल क्लार्क समेर में अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग कैंप रखा गया और उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी की जाएगी। राज्यसभा में जीत को लेकर आश्वस्त है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज मीडिया ब्रीफ के बाद विक्ट्री का साइन दिखाया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे याद है कि 15 साल पहले भी इस तरीके का खेल खेला था बीजेपी ने और ये खेल पहले भी इनका फेल हो चुका है।
साइन कर दिए हैं, उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, लेकिन बाद में वोट नहीं जुटने के कारण समर्थन वापस ले लिया गया। भैरव सिंह जी के वक्त में हमने उनकी सरकार गिराने में सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे हम लोग। भैरव सिंह जी की सरकार गिराने में इनकी खुद की पार्टी के लोग आगे आ गए। मैं खुद उस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन हमने इनका साथ नहीं दिया था। बीटीपी, सीपीएम, बीएसपी और निर्दलीय साथियों ने हमारी सरकार बचाई थी। आज इन्हीं के कारण सरकार बची भी हुई है, नहीं तो हमारी सरकार रहती ही नहीं। इस बार भी हम सभी एकजुट रहेंगे और हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, इस तरीके का विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाया जब नामांकन भर दिया तीनों प्रत्याशियों ने, जो कि राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने भरा। तीन नाम जो कि राजस्थान के बाहर से हैं, लेकिन उन सभी के लिए जीत की दावेदारी जताई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही। मीडिया ब्रीफ के बाद उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया और ये बात कही कि मुझे याद है कि 15 साल पहले भी इस तरीके का खेल खेला था और ये इनकी आदत है, इनका खेल पहले भी फेल हो चुका है और इस बार भी होगा। साइन कर देते हैं, उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, लेकिन बाद में वोट ही नहीं मिलता, वोट जुटते नहीं है और समर्थन वापस पहले ले लिया गया था और अब भी ऐसा ही होगा। उन्होंने भैरव सिंह जी के वक्त का जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार गिराने में हमने सहयोग किया ही नहीं क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हम करना नहीं चाहते थे। भैरव सिंह जी की सरकार गिराने में इनकी खुद की पार्टी के लोग आगे आ गए। मैं खुद उस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन हमने इनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। बीटीपी, सीपीएम, बीएसपी यानी कि अन्य पार्टियां और निर्दलीय साथी जो है उन्होंने हमारी सरकार बचाई थी और आज इन्हीं के कारण हमारी सरकार बची हुई है, नहीं तो हमारी सरकार रहती नहीं। और इस बार भी हम सब एकजुट रहेंगे और हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। तो राजस्थान में राज्यसभा का रन तैयार हो चुका है, उसी की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास दिलचस्प मोड़ आया है। निर्दलीय के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन आज भर दिया है। आज आखिरी तारीख भी थी, बीजेपी के समर्थन से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से उन्होंने बात की, कहा कि आप सभी को प्रणाम, मैंने भाजपा नेतृत्व से बात की, पिछली बार हरियाणा से सदस्य चुनकर गया था, पिछली बार भी निर्दलीय सदस्य था, मैंने इस बार खुद निवेदन किया कि मुझे अब पैतृक और जन्मभूमि से राज्यसभा भेजा जाए, शेखावाटी में मेरा घर है, साल में मैं कई बार यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैं राज्य की आवाज पुरजोर तरीके से राज्यसभा में रखूंगा। बीजेपी विधायकों के समर्थन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मारवाड़ी भाषा में भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी बात रखी, यानी कि ये उन्होंने पुख्ता कर दिया है कि वो राजस्थान की जमीन से ही है, राजस्थान से उनका जुड़ाव है और राजस्थान ही उनका घर है और इसीलिए उन्होंने राजस्थान खुद उन्होंने चुना। निवेदन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किया क्योंकि पहले भी हरियाणा से वो राज्यसभा सांसद हैं, निर्दलीय वो आए थे, नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाहरी तौर से भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी से वो अभी सांसद, क्योंकि अभी 2 महीने यानी कि अगस्त तक उनका ये कार्यकाल रहा है। लेकिन अब राजस्थान में रण तैयार हो चुका है, निर्दलीय के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन भरा है और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसे लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी, कल ही आपको बता दिया था कि वो राजस्थान आए हैं यानी कि नामांकन दाखिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन देगी। और हुआ भी कुछ ऐसे, नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से उन्होंने बात कही और आप सभी को प्रणाम, बात शुरू करते हुए उन्होंने सभी को प्रणाम कहा और आगे कहा कि मैंने भाजपा नेतृत्व से बात की है, पिछली बार हरियाणा से सदस्य चुनकर मैं गया था और पिछली बार भी मैंने निर्दलीय सदस्य मैं था और इस बार खुद मैंने निवेदन किया कि मुझे अब पैतृक और जन्मभूमि से राज्यसभा भेजा जाए, यानी कि सीकर के फतेहपुर से, शेखावाटी ही उनका घर है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि मैं साल भर में कई बार यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, मैं राज्य की आवाज पुरजोर तरीके से राज्यसभा में रखूंगा। बीजेपी विधायकों के समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और इतना ही नहीं, मारवाड़ी भाषा में भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी बात रखी। आईएफएस नमिता जे प्रियदर्शी का समय पूर्व प्रत्यावर्तन कर दिया गया। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव है प्रियदर्शी, राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईएफएस अधिकारी है। नमिता जय प्रियदर्शी पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए मूल संवर्ग में उन्हें भेजा गया है, पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए मूल संवर्ग में उन्हें भेजा गया और इसी वजह से ये प्रत्यावर्तन किया गया है। आईएफएस नमिता जय प्रियदर्शी का समय से पहले ही उनका ये बदलाव कर दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव है प्रियदर्शी, राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईएफएस अधिकारी है और समय से पहले ये बदलाव किया गया। नमिता जय प्रियदर्शी जो कि पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए उन्हें मूल संवर्ग में भेजा गया है।
वहीं ये भी जानकारी दे दें कि सूर्य प्रकाश काकरा बने हैं हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल। वर्तमान में बालोतरा जिला में सेशन जज के पद पर कार्यरत हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने ये आदेश जारी किए हैं। निर्मल सिंह मेड़तवाल आज सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पद से आज सेवानिवृत्त उन्हें किया गया। सूर्य प्रकाश काकरा वर्तमान में बालोतरा जिला न्यायाधीश हैं और कल वे हाईकोर्ट रजिस्ट्रार पद का कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। 5 नवंबर 1962 को जोधपुर जिले में काकरा का जन्म हुआ। 21 जनवरी 1992 को काकरा की न्यायिक सेवा में नियुक्ति हुई। 13 दिसंबर 2004 से जिला संवर्ग न्यायिक अधिकारी पद पर वे पदोन्नत हुए और तब से लेकर अब तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला हुआ था। लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी, सूर्य प्रकाश काकरा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल वर्तमान में बालोतरा जिला एवं सेशन जज के पद पर कार्यरत हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने ये नया आदेश जारी किए और निर्मल सिंह मेड़तवाल आज सेवानिवृत्त हुए तो राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पद से आज उन्हें सेवानिवृत्त किया गया और सूर्य प्रकाश काकरा वर्तमान में बालोतरा जिला न्यायाधीश है। लेकिन ये जानकारी कि कल वो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार पद का कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। 5 नवंबर 1962 को जोधपुर जिले में काकरा का जन्म हुआ था। 21 जनवरी 1992 को काकरा की न्यायिक सेवा में नियुक्ति हुई। 13 दिसंबर 2004 से जिला संवर्ग न्यायिक अधिकारी पद पर वो पदोन्नत हैं और हो सकता है कि कल वो नया कार्यभार ग्रहण कर लें। कभी आमने सामने रहे और आज प्रस्तावक बन गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी के नामांकन से जुड़े हुए दूसरे पहलू की। अशोक लाहौटी भी तिवाड़ी के प्रस्तावक बने हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आमने सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था घनश्याम तिवाड़ी और अशोक लाहौटी ने। लेकिन आज घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए प्रस्तावक बने अशोक लाहौटी। दूसरी तरफ अशोक लाहौटी ने राहत की सांस भी ली क्योंकि लाहौटी के सामने घनश्याम तिवाड़ी एक बड़े प्रतिद्वंदी बने हुए थे। सांगानेर से लगातार 15 साल विधायक रह चुके हैं घनश्याम तिवाड़ी और ऐसे में तिवाड़ी की वापस भाजपा में लौटने से लाहौटी असहज महसूस भी कर रहे थे। अलबत्ता तिवाड़ी के राज्यसभा जाने से लाहौटी का विधानसभा चुनाव में रास्ता साफ हो गया है और इसलिए वो आमने सामने हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावक के तौर पर वो आमने सामने रहे। घनश्याम तिवाड़ी के नामांकन से जुड़ा हुआ ये दूसरा पहलू है और दिलचस्प भी है। अशोक लाहौटी घनश्याम तिवाड़ी के प्रस्तावक बने, उन्होंने बकायदा सिग्नेचर भी किया। पिछले विधानसभा चुनाव में आमने सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था घनश्याम तिवाड़ी और अशोक लाहौटी ने सांगानेर विधानसभा सीट से। लेकिन आज घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए प्रस्तावक बन गए लाहौटी। दूसरी तरफ अशोक लाहौटी ने राहत की सांस भी ली है। दरअसल अशोक लाहौटी के सामने घनश्याम तिवाड़ी एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। सांगानेर से लगातार 15 साल विधायक रह चुके हैं घनश्याम तिवाड़ी और ऐसे में तिवाड़ी की वापस भाजपा में लौटने से लाहौटी असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि कुछ अनबन की वजह से इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, फिर कांग्रेस में गए लेकिन फिर से अपने घर लौटे और उसके बाद से असहज महसूस कर रहे थे अशोक लाहौटी। और अलबत्ता तिवाड़ी के राज्यसभा जाने से अब अशोक लाहौटी का विधानसभा चुनाव में रास्ता साफ हो गया है। सीएजी के बेटे का सीएजी जैसा प्रोटोकॉल। दरअसल कल शाम सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के पुत्र रूहान झालाना पहुंचे थे। अपने तीन दोस्तों के साथ शाम की पारी में उन्होंने सफारी की लेकिन रूहान के साथ बकायदा स्कॉट पायलट वीवीआईपी सिक्योरिटी जयपुर एजी कार्यालय के अधिकारी दिल्ली से आए सीएजी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस व दिल्ली से आए सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम भी थी। सीएजी के बेटे को प्रोटोकॉल से पर्यटकों में बड़ा कौतूहल दिखा। रूहान मुर्मू ने अर्जुन तलाई पर लापट की साइटिंग की लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब वाकई में सीएजी के बेटे का सीएजी जैसा प्रोटोकॉल होता है क्योंकि कल शाम जो नजारा झालाना में देखने को मिला वो कुछ ऐसा ही था। क्योंकि कल शाम सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के पुत्र रूहान झालाना साइटिंग के लिए पहुंचे थे, सफारी उन्होंने की, अपने तीन दोस्तों के साथ पहुंचे थे शाम की पारी में लेकिन रूहान के साथ बकायदा एस्कॉर्ट थी, पायलट था, वीवीआईपी सिक्योरिटी थी जिसमें जयपुर एजी कार्यालय के अधिकारी दिल्ली से आए सीएजी के अधिकारी थे, स्थानीय पुलिस थी, दिल्ली से आए सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम भी थी। अब सीएजी के बेटे को प्रोटोकॉल से पर्यटकों में कौतूहल का विषय बन गया क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा था कि वाकई में सीएजी के बेटे को भी यही प्रोटोकॉल मिलता है। रूहान मुर्मू ने अर्जुन तलाई पर लापट की साइटिंग। नियमन को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण का दोहरा रवैया। दरअसल चहेतों को वन अभ्यारण्य क्षेत्र में पट्टा तो दे दिया गया और ये मामला पहुंचा है एनजीटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में नियमन कर पट्टा आवंटन किया गया। वन प्रेमी राजेंद्र तिवाड़ी द्वारा हाईकोर्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल में पीआईएल की
दायर कर दी गई है। ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच कमेटी का गठन किया। CWLW कलेक्टर JDC प्रदूषण मंडल अध्यक्ष की कमेटी अब इसकी जांच करेगी। कमेटी का ट्रिब्यूनल को 4 सप्ताह में रिपोर्ट अपनी पेश करनी है, तो फिलहाल जांच के बाद 4 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। नियमन को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण का ये दोहरा रवैया सामने आया है। चहेतों को वन अभयारण्य क्षेत्र में पट्टा दे दिया और ये मामला NGT पहुंच गया है। नाहरगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में नियमन कर पट्टा आवंटन कर दिया गया। वहीं वन प्रेमी राजेंद्र तिवाड़ी द्वारा हाईकोर्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल में PIL जो है वो दायर की गई है। ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मामले में कमेटी का गठन किया और CWLW कलेक्टर JDC प्रदूषण मंडल अध्यक्ष की कमेटी अब इसकी जांच करेगी। कमेटी का ट्रिब्यूनल को 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन पर कोई खास असर नहीं है। दरअसल अप्रैल में गर्मी के बावजूद अच्छा रहा अपेक्षित रूप से फ्लाइट संचालन। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 की तुलना में अप्रैल 2022 में फ्लाइट्स नहीं घटी हैं। मार्च में 3,315 फ्लाइट्स का संचालन था, जबकि अप्रैल 2022 में 3,311 फ्लाइट्स का संचालन किया गया। इस अवधि में यात्री भार में 39,000 की कमी आई। अप्रैल 2022 में की बात करें तो कुल 3,61,000 यात्रियों ने यात्रा की, 3,36,000 घरेलू और 24,945 अंतर्राष्ट्रीय यात्री रहे, जबकि मार्च 2022 में इसकी तुलना में ज्यादा यात्री भार था। मार्च में 4,00,000 यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की, 3,73,000 घरेलू थे, 26,464 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने इसकी यात्रा की। मार्च की तुलना में करीब 39,000 यात्री भार घटा है और ऐसे में कई सवाल लगातार खड़े हो रहे थे क्योंकि कई फ्लाइट्स का संचालन भी नहीं हो रहा था, ये मुख्य वजह थी। और ऐसे में अब जो जानकारी आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से, वो जो रिपोर्ट पेश कर रही है, वो इसीलिए कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन पर कोई खास असर नहीं है। अप्रैल में गर्मी के बावजूद अपेक्षित रूप से फ्लाइट संचालन अच्छा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 की तुलना में अप्रैल 2022 में फ्लाइट नहीं घटी है, लेकिन मार्च में 3,315 फ्लाइट का संचालन हुआ था, अप्रैल 2022 में 3,311 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। इसी अवधि में यात्री भार में 39,000 की कमी देखी गई। अप्रैल 2022 में कुल 3.61 लाख यात्रियों ने यात्रा की, 3.36 लाख घरेलू और 24,945 अंतर्राष्ट्रीय यात्री रहे, जबकि मार्च में बात करें तो 2022 में इसकी तुलना का में यात्री भार ज्यादा था। मार्च में 4,00,000 यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की थी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जो यात्रा थी 26,464 थी और मार्च की तुलना में करीब 39,000 यात्री भार घटा। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयास रंग लाए। 4 हेरिटेज इकाइयों के जीर्णोद्वार कार्य के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में ये घोषणा की गई थी। लेक पैलेस सिली से झूमर बावड़ी, रणथंभौर, गोकुलनाथ द्वारा और सरोवर पुष्कर भी इसमें शामिल था। कुल 4,09,80,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। लेक पैलेस सिलिसेट के जीर्णोद्वार और संरक्षण पर खर्च होंगे 88,58,000 रुपए। झूमर बावड़ी, रणथंभौर के संरक्षण एवं जीर्णोद्वार पर 102,55,000, गोकुलनाथ द्वारा के लिए और 99,064,000, सरोवर पुष्कर के लिए 119,03,000 स्वीकृत किए गए हैं। तो ये आंकड़ा फिलहाल सामने आया है और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष थे धर्मेंद्र राठौड़, RTDC के चेयरमैन, उनके जो प्रयास थे वो रंग लाए हैं। 4 हेरिटेज इकाइयों के जीर्णोद्वार कार्य के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है और इसकी घोषणा जो की गई थी 2020-21 में, फिलहाल उसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व को लेकर काम शुरू हो चुका है। वन विभाग ने 5वें टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने का काम शुरू कर दिया। करौली, सरमथुरा और धौलपुर को मिलाकर जाएगा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। फिलहाल इस क्षेत्र में करीब 9 बाघों का विचरण, वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल का एक ट्वीट सामने आया है, बताया है कि करीब 9 बाघों का विचरण है। यह अधिसूचना वन विभाग को इस क्षेत्र में इको सिस्टम के विकास के लिए ठोस प्रयास करने में सक्षम बनाएगी। और ये अलग बात है कि वन्य जीव प्रेमी कुंभलगढ़ को देख रहे थे 5वें टाइगर रिजर्व के तौर पर। एक समय रामगढ़ विषधारी से आगे था कुंभलगढ़ का टाइगर रिजर्व के तौर पर दावा। अब कुंभलगढ़ से जुड़े वन्य जीव प्रेमी शुरू कर सकते हैं नए सिरे से मुहिम। लेकिन फिलहाल ये वन्य प्रेमियों के लिए अच्छी बात है और प्रदेश में को टाइगर रिजर्व को लेकर जो है वो काम शुरू हो गया है।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जयपुर दौरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ओवैसी बोले और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी हालत में मंजूर नहीं, संविधान में अधिकार दिया गया है। देश की समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी है तो शाहजहां जिम्मेदार है, महंगाई के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, आज के हालातों के लिए अकबर जिम्मेदार है। अजमेर दरगाह विवाद को लेकर बोले ओवैसी, कहा ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर सवाल उठाना गलत है, विवाद पैदा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 1991 एक्ट की पालना करवाई जानी चाहिए, अब एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में हुई टीचर की हत्या पर दिया उन्होंने बयान और कहा सरकार किसके साथ में है, किसकी जिम्मेदारी है, शांति कायम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन ना तो आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही दहशत। आपदा प्रबंधन विभाग से बड़ी खबर मिल रही है, अब गैर सूखाग्रस्त गांव में 4 डिपो खुलेंगे। आपदा प्रबंधन के आग्रह पर गोपालन विभाग ने आदेश जारी किया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि पहले 10 जिलों की अभावग्रस्त तहसील में 4 डिपो संचालन के लिए निर्देश दिए गए, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आदेश जारी किया गया, गैर सूखाग्रस्त गांव में 4 डिपो संचालन के निर्देश दिए गए हैं। क्या 4 श्रेणियों के विकलांगों को ही विकलांग मानता है वित्त विभाग? वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में ये भारी चूक सामने आई। दरअसल दिव्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ता बढ़ोतरी के आदेश में चूक सामने आई, सिर्फ ब्लाइंड, डेफ और डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को ही लाभ दिया गया, जबकि दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, बधिर श्रवण शक्ति का स्वास्थ्य, सेरेब्रल पल्सी, बोनापन, एसिड अटैक, सर्वाइवर, मस्कुलर डिस्ट्राफी, समस्त चलन निशक्तता, स्वयं परायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक अस्वस्थता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, बहुविकलांगता की 15 श्रेणियों की विकलांगता है। क्या इस ओर ध्यान देकर फिर से संशोधित आदेश जारी करेगा वित्त विभाग? दिव्यांग अधिकार महासंघ ने भी ज्ञापन देकर इस ओर विभाग को ध्यान दिलाया है।